नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान सेवा में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NRC 142 वेराइटी के सीड के बारे में कि उसका बीज कैसा दिखता है और ये किस प्रकार से दिखता है, ताकि आपको कहीं से मिले कुछ मात्रा में बीज तो आप उसको चेक कर सके कि NRC 142 का सीड ही है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि NRC 142 के सीड इस प्रकार से दिखते हैं। दाना ऐसा रहता है, बोल्ड ही रहता है और इसके जो दाने का हीलियम है आप देख सकते हैं, हीलियम ऐसा रहता है और एक इस पे बीच में रिंगाटी पड़ी हुई रहती है। अभी इसका बीज बहुत कम किसानों के पास अवेलेबल है, जिन किसानों के पास भी अवेलेबल है उनके पास बहुत कम मात्रा में है। किसके पास 10 किलो 15 किलो ऐसे सीड अवेलेबल है, क्योंकि ये वैरायटी पिछले साल ही रिलीज हुई है तो सीड भी इसका कम है। और ये हरेपन पे इसलिए है क्योंकि ये गर्मी में सीड मल्टीप्लाई करके बोई गई है, तो गर्मी में सोयाबीनों के अंदर ये समस्या आम रहती है, जो दाने हरे रह जाते हैं जल्दी, लू की वजह से ऐसे रह जाते हैं दाने, तो इससे अंकुरण में कोई इतना खासा खासा कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी जितना भी सीड मिल जाए सीड मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि सीड के ही मार्केट में वैल्यू है। बाकी सोयाबीन तो बहुत सारी मिल जाती है मंडियों के अंदर। तो आप देख सकते हैं NRC 142 का सीड। इसका हीलियम पूरा ब्लैक रहता है और बीच में वाइट कलर की रिंगाटी रहती है। इसके दाने की लंबाई थोड़ी सी जो आम सोयाबीन रहती है उनसे थोड़ी लंबी रहती है। और इसके टेस्ट की बात करें तो खाने में बिल्कुल मूंगफली की तरह लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल फ्री है और अम्लीय तत्व भी नहीं है, तो डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है और दोनों में अच्छे हैं। अभी सीड बहुत कम मात्रा में, जब सीड अवेलेबल हो जाए तो आप इस सीड को लगाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कि ये कैसा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और किस बारे में आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। धन्यवाद।